मन का डर कैसे निकाले, इस बारे में मैं अभी आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो जो मैंने बताया कि जैसा लोगों को बाहर जाने का डर है ना, मतलब वो शादी में नहीं जा सकते, किसके यहां मिलने को नहीं जा सकते, उसको बोलते सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी उसको बोलते हैं, कि वो सोसाइटी में, समाज में नहीं जा सकते हो। तो अक्सर हमको दिखाई देता है ना कि व्यक्ति हमें कहीं बाहर दिखाई देता नहीं, हम पूछते कि भाई क्यों नहीं शादी निकते नहीं आजकल, कहीं बाहर जाते आते नहीं है। तो बोला नहीं नहीं मैं बिजी रहता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी कारण देगा वो, और कारण देके वो टाइम मार देगा और बताएगा नहीं मेरे को डर लगता है। मगर अक्सर ये जो लोग कहीं जाते आते नहीं है उनको वो डर लगे रहता है, इसलिए वो हमको कभी शादी में दिखेंगे नहीं, कभी प्रोग्राम में दिखेंगे नहीं बाहर, कभी मिलने जुलने के लिए बाहर दिखेंगे नहीं, और वो डर की चीज जो है, जो प्रसंग है वो टालते रहते। ऐसा बोला जाता है कि अमेरिका में 50 लाख लोग कम से कम इसके मरीज के शिकार है। अब ये पैदा कैसे हुआ डर, तो कुछ तो भी अतीत में, भूतकाल में कुछ तो भी ऐसा हुआ, ये लोगों ने कुछ तो भी सुन लिया और उसकी वजह से वो डर हो गया। जैसा कि उनका ऐसा हो जाता है समझो कि एकाधा उनका करीब का व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है, और वो सब चीज वो देखते, उसको ले जाना डॉक्टर के तरफ, ले जाना आईसीयू में भर्ती किया, और वो उसको बाद में उसकी मृत्यु हो गई, और सब देखने के बाद में उसको इतना डर लगे रहता है, और वो सब देखने के बाद में वो इतना भय हो जाता है, उसके बाद में कभी भी किसका भी सुन लिया तो वो डर उनके मन में बैठ जाता है। या कभी किसने उनको चिल्लाया, कभी बहुत जोर से चिल्लाया, कभी अतीत में ऐसा हुआ उसकी वजह से डर, मतलब कुछ तो भी ऐसी घटना हो जाती है एकाधी अतीत में कि उसकी वजह से उनको वो डर उनके मन में दिमाग में बैठ जाता है। ये डर कभी कभी सीखने की वजह से भी होता है, मतलब उनके माँ या उनके पिताजी या दादा दादी नाना नानी, मतलब कोई तो भी व्यक्ति घर में ऐसा रहता है कि जिसको ये डर रहता है, ये फोबिया की बीमारी रहती है, और उसके वजह से बच्चों को भी आता है, मतलब ये लर्निंग है, सीखना हो जाता है उनका, सीख हो जाती है उनको, और उसकी वजह से वो उनको मतलब बीमारी आती है। आपको तो बताया कि जैसा हार्ट अटैक है, जैसे मैंने बताया वैसा चिपकली का भी बहुत लोगों को डर रहता है कि वो चिपकली दिखी घर में कि वो एकदम चिल्लाना छिकना चालू कर देते, हुआ क्या भाई इतना। तो इसका इलाज क्या है जो डर है, क्योंकि ये जब हमारा रोज का रोजमर्रा की जिंदगी में यदि वो डर उनको प्रॉब्लमेटिक है, वो समस्या हो जाती है, तो उसका इलाज करना भी जरूरी है। तो इसका इलाज मेनली दो तरह से होता है, एक है कि दवाइयां और दूसरा है उसको मानसोपचार। उसके साथ साथ मानसोपचार में एक तो बिहेवियर थेरेपी हो गई, फिर सम्मोहन उपचार हो गया या काउंसिलिंग हो। दवाइयां जो है जो हम लिखते हैं इनके लिए कि भाई कोई बोलता है कि ना उनको इतना डर लगे रहता है कि वो उस समय कुछ भी नहीं कर सकता था, इसके लिए फिर हमको कोई दवाइयां देते हैं कि इतना डर लगा उस समय एक गोली है जो जवान के नीचे रखो और तुरंत वो मुंह में पिघल जाएंगी, खून में जाएंगी, उसका डर निकल जाएगा। तो ऐसी गोलियां रहती है जवान के नीचे रखने के लिए, तो वो गोली खाओ, या फिर रोज की गोली, रोज की ऐसी गोलियां हैं कुछ दवाइयां हैं कि वो रोज खाते हैं ना उनको डर लगे नहीं, तो उनको जो छाती में धड़कन हो जाती है, पसीना इतना धड़ 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 उनका दिल करेगा, इतना पसीना, इतने हाथ कांपना कि उनको रहना ही मुश्किल है वहां, तो फिर ऐसी दवाइयां खाते हो तो ये सब सिम्टम्स जो है, ये जो लक्षण है वो यदि उनके अच्छे हो गए तो वो शांति से अभी सोच सकते कि भी क्या करना। तो एक तो क्या दवाई का इलाज, दवाई कितने दिन लेना, दवाई मानसोपचार जो है साइकोथेरेपी काउंसिलिंग वो उसका फायदा पूरा होने तक दवाई लेनी पड़ेगी। फिर दूसरा जो इलाज है वो है साइकोथेरेपी का मानसोपचार। इसमें होता क्या है कि हम बोलते हैं इसका कारण जो है फोबिया का ही है, कंडीशनिंग, मतलब कुछ तो भी घटना हुई और वो घटना हुई और उसके साथ साथ वो जो प्रसंग था, वो जो वातावरण था उसका, मतलब डरावनी घटना हुई वो प्रसंग हो गया, उसका कंडीशनिंग हो दिमाग में। अभी आगे चल के कुछ तो भी वो जैसी घटना, पहले जैसी घटना हुई तो उनको वो डर चालू हो जाता, मतलब उनका हो गया कंडीशनिंग। तो उसका जो है वो डी कंडीशनिंग करना होता है, वो जो सेंसिटाइज हो गए वो सिचुएशन को, वातावरण को, कीड़े मकोड़े को या वो व्यक्तियों को, जो सेंसिटाइज हो गए मतलब ज्यादा सेंसिटिव हो गए वो, तो उनका वो डिसेंसिटाइजेशन करना पड़ता है ताकि उनका डर कम हो जाए। तो उसके लिए कोई एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइज हम बताते हैं कि वो एक्सरसाइज करो डी कंडीशनिंग की। उनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी देते हैं जिसमें अलग अलग बिहेवियर्स कैसे करना, वर्तणूक उपचार हम जैसा बोल सकते हैं, तो वो हम उसको देते हैं।
उसके साथ साथ सम्मोहन उपचार भी होता है। सम्मोहन में होता क्या है कि हम उसको हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहित करते हैं, और सम्मोहित करने के बाद में उसको विजुअलाइज करने के लिए बोलते हैं। वो सिचुएशन विजुअल मतलब वो सिचुएशन की कल्पना करो जिसमें उनको डर लगे रहता है। मतलब इधर वो व्यक्ति पूरा हिप्नोटाइज है, पूरा रिलैक्स है, पूरा कंप्लीटली रिलैक्स, बॉडी उसकी रिलैक्स्ड है, पूरा बदन उसका रिलैक्स्ड है, और रिलैक्स अवस्था में जब उसको कोई डर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि हम तू विजुअलाइज करो, कल्पना करो कि वो जो सिचुएशन है जिसका आपको डर लग रहा है वो सिचुएशन अभी आ गई है आपके सामने। मतलब डरावनी सिचुएशन है वो रिलैक्स, डरावनी सिचुएशन है वो रिलैक्स, डरावनी सिचुएशन है वो रिलैक्स है। ऐसा बार बार हम करते तो उसका डी कंडीशनिंग हो जाएगा। तो ये विजुअलाइजेशन की प्रोसेस है सम्मोहन उपचार में, सम्मोहित अवस्था में उससे वो अच्छा हो जाता है, मतलब हो सकता है। अभी एक बार मेरे पास में आके वो होगा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कि घर में भी आप करो ये इलाज, और जब आप घर में भी ये प्रैक्टिस करेंगे डिसेंसिटाइजेशन की या सम्मोहन उपचार की, तो एक 6 हफ्ते में या 8 हफ्ते में उसको फायदा होना शुरू हो जाता है। इसमें तुरंत उपचार नहीं है, मतलब हमारे पास में लोग आते हैं बोलते कि नहीं अभी के अभी बस इसका इलाज, 2 साल हो गए 3 साल हो गए आप सोए थे क्या? 2-3 साल से जब आप ये कैरी कर रहे हैं, आपको ये बीमारी है, ये समस्या है, तो उसका इलाज करने को टाइम तो लगेगा। तो निर्धार करो, उसका पक्का निर्धार करके, कमिटमेंट करके, क्योंकि हमको अच्छा होने का है, ऐसा करके जब आते रहते हैं लोग लाइक वीक बाय वीक, हफ्ते के हफ्ते आते हैं, इलाज करवाते हैं, और उनका जब कमिटमेंट रहता है, वचनबद्ध रहते कि नहीं मेरे को अच्छा होने का है, तो इसमें 100% वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है। लेडीज को ये बीमारी ज्यादा होती है स्त्रियों पुरुषों से, तो उनको भी धीरे धीरे मतलब इलाज करके वो उनका इलाज अच्छा हो जाए, मतलब वो जो डर है वो निकल जा सकता। तो मेरा ऐसा मतलब ये आह्वान है कि भाई हर व्यक्ति ने ये नहीं मान के कि भाई ये मैं क्या पागल हूं क्या, मैं पागल नहीं हुआ डॉक्टर की तरफ, साइकेट्रिस्ट की तरफ जाने के लिए, मनोचिकित्सक की तरफ जाना मतलब पागलपन है। तो व्यक्ति कोई पागल नहीं, इसको ये समस्या है, मानसिक समस्या है, ये एक तरह की मानसिक बीमारी है। और मेरे तरफ कोई व्यक्ति आ गया मतलब कोई पागल हुआ करके आया नहीं है, तो उसका इलाज करना जरूरी है। वो इसका इलाज बराबर करता है तो आपका जीवन, उसका जीवन पूरा मतलब आपका खुद का, अपना खुद का जीवन पूरा 100% वो अच्छा बिता सकता है। मेरा ऐसा आह्वान है कि ये इलाज करना जरूरी, जिनको जिनको प्रॉब्लम है, और अधिक आपको जानकारी इसके लिए चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर आप जा सकते हैं, मेरा फेसबुक का अकाउंट है, फेसबुक का पेज है उसके ऊपर भी इसकी जानकारी दी हुई है, और आप यूट्यूब को भी जो चैनल है मेरा इसको आप लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरा जो उद्देश्य है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबको ये मानसिक स्वास्थ्य मिलना जरूरी है। तो आप जितने लोगों को ये शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे, चैनल को फॉलो करेंगे, तो आपको नई आपको माहिती उसमें मतलब मिल जाएंगी, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये पहुंचा सकेंगे। तो आप फेसबुक को लाइक करो, यूट्यूब चैनल को लाइक करो, वेबसाइट पे जाके, और आपको कोई सवाल होगा तो आप वो सवाल को भी आपको जवाब मिल जाएगा, आप मेल भेज सकते हैं और आप सवाल के जवाब दे सकते हैं। आपने ये सुन लिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।